Hello everyone, today I am going to teach you chapter Rock and Minerals, Sedimentary Rocks. In our last video, I have taught you about the igneous rock and today I am going to teach you about the sedimentary rocks. The rocks on the earth's surface are constantly broken up into small pieces by wind. जो अर्थ की सरफेस पे जो रॉक्स हैं बहुत बड़े बड़े जो पहाड़ हैं पत्थर के वो कॉन्स्टेंटली विंड वाटर और टेम्परेचर में चेंजेस होने की वजह से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं. दी स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स टर्न इंटू पेबल ग्रेवल सैंड एंड क्ले एंड आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. तो ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं ये किस में डिवाइड हो जाते हैं, कभी वो पेबल बन जाते हैं, पेबल के बाद ग्रेवल, ग्रेवल के बाद सैंड, सैंड के बाद क्ले, ओके वो बन जाते हैं. ठीक है, दे आर कैरीड अलोंग विद रिवर एंड स्ट्रीम टू न्यू प्लेस. और वो रिवर और स्टीम नहर के साथ साथ वो नई जगह पे पहुंच जाते हैं. दे बिगिन टू प्लाई अप एंड फॉर्म फ्लैट लेयर. वहां पर वो एक लेयर बनाने लगते हैं. ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे बहुत समय तक ऐसे ही चलता रहता है, द सेडिमेंट गेट प्रेस्ड टूगेदर एंड फॉर्म अ सॉलिड रॉक. तो क्या होता है, वो मिट्टी वहीं पर जमती जाती है और धीरे धीरे वो सॉलिड रॉक की तरह बन जाती है. दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक. इस तो उन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं. मोस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्मेड अंडर वाटर. ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक जो है वो पानी के अंदर ही फॉर्म होते हैं. ओके, सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर, कुछ कॉमन एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक्स के. ठीक है, इट इज कॉमन सेडिमेंट्री रॉक सैंडस्टोन. पहला एग्जाम्पल क्या है, सैंडस्टोन. इट इज अ कॉमन सेडिमेंट्री रॉक. इट मेनली कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रेन्स ऑफ मिनरल्स. इसमें मिनरल्स के छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं एंड इज मेड ऑफ सैंड पार्टिकल डिपॉजिटेड क्लोज टूगेदर. ये कैसे बनते हैं, जब सैंड के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं तब बनता है, इसीलिए इसका नाम सैंडस्टोन है. क्यों, क्योंकि सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसीलिए हम इसे सैंडस्टोन बोलते हैं. सैंडस्टोन इज ऑफन यूज एज बिल्डिंग स्टोन. इनको हम बिल्डिंग स्टोन की तरह यूज करते हैं. आगरा का फोर्ट है वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है. ओके, शेल कंसिस्ट ऑफ फाइन ग्रेन्स ऑफ मड एंड क्ले. जो शेल है वो मड और क्ले से बना हुआ है. ठीक है, इट एग्जिस्ट इन वेरियस कलर. ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आपको मिलेगा, लाइक ब्लैक, रेड, ग्रीन है, इन सारे कलर्स में मिलता है. इट इज यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स, टाइल्स एंड सीमेंट. क्या क्या बनाने के लिए यूज करते हैं, ब्रिक्स को, टाइल्स को और सीमेंट को बनाने में हमें यही शेल जो है वो यही यूज करते हैं हम. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लाइमस्टोन. लाइमस्टोन इज मेड ऑफ अ मिनरल नोन एज कैल्साइट एंड बिट ऑफ एनिमल शेल्स. कैल्साइट और एनिमल शेल से मिलकर बना होता है लाइमस्टोन. इट इज मेनली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन एंड इन मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक. कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कंस्ट्रक्शन में, मेडिसिन में एंड कॉस्मेटिक की चीजों में भी इसका यूज किया जाता है. The most common example of limestone is chalk. Chalk जो है limestone का सबसे common example है. Okay? Conglomerate. Conglomerate is made up of a large sediments like sand and pebbles. ये बड़े बड़े पत्थरों से मिलकर बना होता है, बड़ी रेत के टुकड़ों से मिलकर बना होता है. ठीक है, क्या कैंग्लोमेट. इट इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन एंड पॉलिशिंग ऑर्नामेंट्स. ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरीज जो है उन सबको और कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है और ज्वेलरी को पॉलिश करने में भी हम इसका यूज करते हैं. ओके, तो ये थे हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके, मेटामॉर्फिक रॉक. इनसाइड द अर्थ हीट एंड प्रेशर चेंजेस द फॉर्म ऑफ सम इग्नीशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक. अच्छा, अर्थ के अंदर टेम्परेचर और हीट इतनी ज्यादा, इतना प्रेशर इतना ज्यादा होता है जिसकी वजह से वो इग्नीशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो उनकी फॉर्म को चेंज कर देता है. ओके, दीज आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक
रॉक्स, और इन्हीं रॉक्स को हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं. द नेम ऑफ दीज रॉक्स केम फ्रॉम द वर्ड मेटामॉर्फोसिस, मॉर्फोस विच मीन्स टू चेंज फॉर्म. इसका मीनिंग होता है चेंज फॉर्म, यानी कि जब सेडिमेंट्री और इग्निशियस दोनों रॉक मिलते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बनाते हैं. ठीक है, सो लेट्स हैव एग्जांपल. स्लेट, स्लेट जिस पर हम लिखते हैं वो वाली. व्हेन द सेडिमेंट्री रॉक शेल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस इट फॉर्म्स स्लेट. शेल जो है जब उसमें चेंजेस होता है तो वो स्लेट बन जाती है. इट इज यूजुअली डार्क इन कलर एंड फाइंड यूज इन मेकिंग स्लेट टाइल्स एंड ब्लैकबोर्ड. टाइल्स, ब्लैकबोर्ड और स्लेट हैं ये एग्जाम्पल जो चीजें हैं वो स्लेट से बनती है. और स्लेट जो है वो शेल जो है चेंज होता है किसमें, स्लेट में. ओके, मार्बल्स, मार्बल्स इज ऑल्सो अ मेटामॉर्फोसिस्ड सेडिमेंट्री रॉक. ये भी एक मेटामॉर्फोसिस सेडिमेंट्री रॉक है फॉर्मेड फ्रॉम लाइमस्टोन. ओके, लाइमस्टोन चेंज होता है मार्बल में. ओके, लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में चेंज होता है. इट इज यूज फॉर फ्लोरिंग, फ्लोर बनाने में यूज करते हैं. मेकिंग स्टैचूज, स्टैचू बनाते हैं. एंड ऑर्नामेंटल यूज, और ऑर्नामेंटल ज्वेलरी भी मार्बल से बनाई जाती है. ओके, नाउ जेनेसिस, जेनेसिस इज फॉर्मेड फ्रॉम द इग्निशियस रॉक. अच्छा, ये दोनों मेटामॉर्फोसिस रॉक से बनने हैं, मेटामॉर्फिक रॉक से, और ये वाला जो है वो इग्निशियस रॉक से बना है, फॉर्मेड फ्रॉम इग्निशियस रॉक लिगनाइट. यहां पर क्या है, ग्रेनाइट जो है वो चेंज होता है जेनेसिस में. ओके, इट इज ऑल्सो यूज इन बिल्डिंग्स, इसको बिल्डिंग बनाने में भी यूज किया जाता है. ओके, अनदर एग्जाम्पल इज क्वार्ट्स. इट इज वेरी हार्ड रॉक एंड केम फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक से वापस ये दोबारा सेडिमेंट्री रॉक से बनता है, लाइक सैंड स्टोन जो है वो चेंज होता है क्वार्ट्स में. ठीक है, इट इज मेनली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, फ्लोरिंग, ऑर्नामेंट्स एंड इन ग्लास इंडस्ट्री. कंस्ट्रक्ट ऑब्वियसली बिल्डिंग बनाने में, फ्लोरिंग करने में, फ्लोर मतलब जो आपकी घर की जो जमीन होती है, फ्लोर होते हैं वो वाली फ्लोर. ठीक है, ऑर्नामेंट्स और ग्लास इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है. ओके, सो ये हमारे थे टाइप ऑफ रॉक्स, टू एग्जाम्पल ऑफ ईच. इग्निशियस रॉक के दो एग्जाम्पल लिखिए, सेडिमेंट्री रॉक के लिखिए, और मेटामॉर्फिक रॉक के दो एग्जाम्पल लिखने हैं आपको. गिव टू यूजेस ऑफ ईच. अच्छा, प्यूमिक और ग्रेनाइट. ठीक है, कैंग्लोमरेट, स्लेट एंड क्वार्टेजाइट, इन सब के दो दो आपको यूजेस बताने हैं यहाँ पर. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक इजिली. एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द मिनरल्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स. ओके, हैव अ ग्रेट डे, स्टे होम, स्टे सेफ.